स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। सामाजिक संस्था द्वारा खेल के माध्यम से निरंतर लैंगिक समानता लाने पर कार्य किया जा रहा है। बढ़ती छेड़छाड़, बलात्कार, मर्डर, अपहरण की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तिनका एक और कराटे खेल के माध्यम से बालक बालिकाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा है, तो दूसरी ओर सेशन के माध्यम से मानसिक रूप से मजबूत भी बना रहा है। तिनका सामाजिक संस्था के सचिव मना मंडलेश्वर ने बताया कि तिनका के 20 कवच और सक्षम फेलो हरदा और भोपाल के अलग अलग विद्यालय में जाकर बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताएं। इसी क्रम में तिनका सामाजिक संस्था के प्रशिक्षक राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रोहित खराटकर और प्रशिक्षिका सलीना कुमरे द्वारा एकेडमिक हाइट पब्लिक स्कूल टिमरनी में 657 बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श पर फिल्म दिखाकर जागरूक किया गया। वहीं विकास वर्मा द्वारा झाड़बीड़ा स्कूल के साथ यह कार्यक्रम अभी भी जारी है। तिनका सामाजिक संस्था के अध्यक्ष रितेश तिवारी ने बताया कि हम तिनका परिवार का संकल्प है कि हम मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, हम अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाएंगे कि वह हर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में स्वयं सक्षम हो। इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में विद्यालय की प्राचार्य सहित अन्य शिक्षक गण शामिल थे। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।